लगता है विवान जादुई यंत्र को नहीं हटा सका। मैं भी उससे पूछता। दुश्मन के घर पड़ जाए सींद, रुक रुक गायब कर गेंद। शिट। विवान। क्या हुआ पार्टनर? हमारे पास वक्त नहीं है विवान, जल्दी कर। एक तो जब लुक को जादू दिया है आपने मुझे, और सिर्फ दो दिन की प्रैक्टिस के बाद सीधा वर्ल्ड कप खेलने उतार दिया, और ऊपर से कह रहे हो कि जल्दी करो। तुम आराम से करो, लेकिन ध्यान लगा कर करो। ध्यान ही तो नहीं लग रहा है, मैं जब भी आंख बंद कर रहा हूँ मुझे वो अजीब लोग याद आ रहे हैं, गोपू याद आ रहा है, मम्मी याद आ रही है। एक एक काम करो विवान, तुम सिद्ध पुरुष मंत्र बोलो। ले लो, लुक को जादू का एक मंत्र भी नहीं ठीक से बोल पा रहा हूँ मैं, और अब संस्कृत का श्लोक बोलने को कह रहे हो। विवान कोशिश करो, शांत करो अपने मन को। नहीं हो रहा है मेरा मंचन, ये मेरी बस की बात नहीं है बालवीर, नहीं होगा मुझसे प्रो, ये नहीं होगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, इसका ध्यान लगाने के लिए इसका ध्यान भटकाना होगा। मुझे तो पहले ही विश्वास था कि बच्चा बालवीर बनने के लायक ही नहीं, पहले ही कहा था मैंने। ओए पार्टनर, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, और आप और कचरा कर रहे हो मेरे कॉन्फिडेंस का। मेरी गलती, मुझे इस लड़के पर विश्वास से नहीं करना चाहिए था, ये सिर्फ अपने पलटन के सामने ही हीरो है, ये जादू के टेस्ट में पास हो ही नहीं सकता। जादू का टेस्ट? एक छोटा सा लुप्त गुप्त जादू टेस्ट करने के लिए कितनी सारी चीजें की हमने, कारखाना बंद करवाया और साथ ही साथ इतने सारे लोगों को नकली जहर दिया, फिर भी थोड़े से दबाव में आकर बोल रहा है नहीं होगा मुझसे, पीछे हट रहा है। ओ, इसका मतलब ये जादू का टेस्ट है? मैं भी ना फालतू में टेंशन ले रहा था। ये सलमान भाई का फैन है ना, सलमान भाई एक फिल्म में 10 लोगों को मारते हैं एक साथ, और ये एक चीज पर ध्यान भी नहीं लगा पा रहा। बस पार्टनर, सलमान भाई को बीच में मत लाओ, एक लुप्त-गुप्त जादू ही करना है ना। अब देखो, अब तिमनासा का ये कवच जल्द टूटेगा। विवान यही कहीं है इसी कारखाने में, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों से उसे ढूंढो कि आखिर वो है कहाँ। जाओ जादुई तरंगे, जाकर विवान को ढूंढो। अपनी आंखें बंद करो विवान, अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, अपने मन को शांत करो। ये क्या हो गया? मेरी जादुई तरंगे नष्ट हो गई है। क्या मतलब? विवान ने तो सच में कर दिखाया, देखा सुरक्षा कवच हट गया। कारखाने के चारों तरफ लगा हुआ सुरक्षा कवच हट चुका है, और हमारा जादुई यंत्र भी गायब हो चुका है। बालवीर परिया तो बाहर से कुछ कर नहीं सकती, और जो अंदर है वायु परी और पानी परी वो तो बर्फ बन चुकी है, तो फिर सुरक्षा कवच तोड़ा किसने? विवान ने। परियो, आप इन लोगों को संभालिए, तब तक मैं विवान के पास जा रहा हूँ। जिन लोगों पर नील अकाल जहर फैला है मैं उनको एक तरफ करती हूँ, ताकि वो और जहर ना फैला सके। हाँ ध्वनि परी, तब तक मैं पानी परी और वायु परी की तलाश करती हूँ। हाँ
देखा पार्टनर, मेरा हेलीकॉप्टर शॉट। अब बताओ है कोई और जो बालवीर बन सके? मुझे तुम पर फक्र है विवान, तुम नकली नहीं असली हीरो। और नहीं तो क्या? और ये सब भी असली है। क्या? हाँ, तुम फोकस नहीं कर पा रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए असली को नकली बना दिया। क्यों बार बार मुझ पर गुगली पर गुगली डाल रहे हो पार्टनर? प्लीज पूरा सच बताओ। विवान मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। जाओ। ठीक है। पार्टनर ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? सुतली, बच्चों और मासूम लोगों को अपनी ढाल बनाकर लड़ते हुए शर्म नहीं आती? कितने डरपोक हो तुम? अगर सच में हिम्मत है तो एक वीर से लड़कर बताओ। वीर? अगर तुम अपने आप को वीर समझते हो ना बालवीर, तो मुझसे वैसे ही लड़ो जैसे सिंसोरा ग्रह पे मैं तुमसे लड़ी थी। ठीक है, मंजूर है मुझे तुम्हारी ये चुनौती। माँ, रुक क्यों गए बालवीर? देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। नहीं, कोई बेटा अपनी माँ पर हमला नहीं कर सकता। ये मत समझना कि ये लड़ाई खत्म हो गई है, क्योंकि बहुत जल्दी तुम तिमनासा का कहर इस पूरी दुनिया पर बरसते हुए देखोगे। चलो कालपरी। माँ, मैं आपको आजाद कराने जल्दी ही आऊंगा। यही है वो सारे लोग जिन पे नील अकाल जहर चढ़ चुका है। तो चलिए इन्हें इनके जहर के असर से आजाद करते हैं। सुतली को ढूंढ रहा था ना, तो यहाँ कैसे आया? देखिए आप सब चिंता मत कीजिए, जो भी खतरा था अब जा चुका है। लेकिन देव, यहाँ हुआ क्या था और मेरी सुतली कहाँ है? मेरे साथ है सुतली बदमीनी आंटी। एडवेंचर ट्रिप बन गई थी। हम मेटल फैक्ट्री के बारे में ठीक से सीख नहीं पाए लेकिन हमारी पद्मिनी आंटी यहाँ काम करती है, तो हम जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। और अगर कोई नहीं आया तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि ये मेरी मम्मी है और मैं प्राउड हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ। और सॉरी मम्मी, मैंने आपको आपके काम के बेसिस पर जज किया। सॉरी नको मनो, और मैं तुझ पे बहुत प्राउड है, समझी? थैंक यू। बोलो नहीं सुनो, आप कोई बताएगा भी कि फैक्ट्री के अंदर हुआ क्या था? दरअसल करुणा जी, फैक्ट्री के अंदर एक मशीन बिगड़ गई थी जिसके अंदर से जहरीली गैस निकली थी।
था इसलिए सब लोग चिल्ला रहे थे और शॉर्ट सर्किट हुआ था इसलिए सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए थे, कोई बाहर भी नहीं आ पाया। लेकिन देव ये शॉर्ट सर्किट तो ठीक ही नहीं हुआ, बिजली वाले आए कहाँ? और हाँ वो जहरीली गैस कैसे बाहर हुई, फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं आए? हाँ और गैस का असर तो लोगों पर भी हुआ ही होगा ना, लेकिन ये सब तो एकदम अच्छे लग रहे और डॉक्टर भी नहीं आया, फिर इनका इलाज किया किसने? मैं बताता हूँ, बात ये है कि ये सब बालवीर ने किया है। बालवीर? और सबकी जान भी बालवीर ने ही बचाई है। मतलब तूने देखा बालवीर को? हाँ। मतलब अब तुझे यकीन है ना कि बालवीर तट पे होता है? पूरी तरह से मानता हूँ। बटन अब ये बताओ बटन, क्या मैं सिर्फ लुकअप को लेकर ही बुराई वैसे लड़ूंगा? आप तो फुल पावर वाले बालवीर हो, पर मैं कब तक मिनी बालवीर रहूंगा? मुझे दूसरा जादू कब मिलेगा? विवान, आज तुमने तुम्हारी अहमियत साबित कर दी है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा दूसरा जादू आज ही मिलेगा। वाह, तैयार हो? बिल्कुल। क्या तूने सच में बालवीर को देखा है? खुद अपनी आंखों से? और किसकी आंखों से देखूंगा? ऑफ कोर्स देखा भी है और हाथ भी मिलाया है, मैंने उससे नहीं, उसने मुझसे। क्या बात कर रहे हैं विवान, तेरी बालवीर से दोस्ती हो गई? ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, जिगरी हो गए हम जिगरी, अब एक कप से दो दोस्त चाय पियेंगे। भैया एक बार विवान हमें बस बालवीर से मिलवा तो दे, फिर बालवीर को हम अपनी टीम में कर लेंगे, फिर विवान और उसकी पलटन की पुंगी बजा देंगे। लेकिन विवान हमें बालवीर से क्यों मिलवाएगा? पापी पेट के लिए भैया, पापी पेट के लिए, अपने सुना नहीं है क्या, इंसान के दिल का रास्ता पेट में से होके जाता है, पेट में से। किसी का तो पता नहीं पर मेरा रास्ता जरूर पेट से होके जाता है। चल एक बार उस विवान का भी चेक कर लेते हैं। पूरा विवान, विवान, हे विवान, तुम लोग कल आना, आज हमें लड़ने का कोई मूड नहीं है। सी यू। हम लड़ने नहीं आए, हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए, इसलिए गिफ्ट लेके आए हमारे विवान के लिए। मेरे लिए क्या गिफ्ट है? इसमें इटली से मंगवाए हुए चीज है, अमेरिका से मंगवाए हुए केक है, चाइना से मंगवाए हुए नूडल्स है। सूटली तुझे पता है बालवीर से मिलने के लिए विवान को रिश्वत दी जा रही है? तुम लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, ये देखो। है भैया आप इतने भुक्कड़ क्यों हो? काम नहीं चीज केक और नूडल। चिंटी मैंने नहीं खाया ये सब। फिर किसने खाया? ये प्लेट खा गई क्या? नहीं मैंने नहीं खाया। मुझे तो पता ही था ये दोनों खाने की चीज तो किसी को दे ही नहीं सकते। चिंटी अब फिर अमेरिका जाना पड़ेगा, फिर उधर से लेके आना पड़ेगा, अब किसी काम के नहीं हो यार। डांटना मत बांटना, वो चिंटू चिंटी रिश्वत देकर दोस्ती खरीदना चाहते थे तो मैंने उनके गिफ्ट का बास्केट ही लपकुप कर दिया। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुला रहा था,
लुकुप जादू में तो तुम माहिर हो चुके हो, इसलिए आज मैं तुम्हें दूसरा जादू दूंगा। वाह पाटिल, आपके मुंह में चॉकलेट आइसक्रीम, जल्दी दे दो मुझे दूसरा जादू। क्या क्या कमाल कर सकते हो मैं इस मैजिक से? बोलो नहीं सुनो। कौन से मैजिक की बात कर रहे हो तुम दोनों? वो मैजिक जो मम्मी की दुआ में होता है। आपकी दुआ की वजह से ही मैं फैक्ट्री से बाहर आ पाया हूँ। सिर्फ मेरी दुआ से नहीं बेटा, सबको बचाया है बालवीर ने और देव ने। तुम दोनों को जितना भी थैंक यू बोलू ना, उतना कम है। नहीं नहीं करुणा जी, आपको हमें या फिर बालवीर को शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। विवान सही कह रहा है, असली मैजिक तो माँ की दुआओं में ही होता है। एक माँ की जानना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान निछावर कर दूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू नहीं सुनना है ना, तो फिर अपनी बहनों को लेकर आज रात मेरे घर डिनर पर आना पड़ेगा। दरअसल आज मैं नहीं आ पाऊंगा, माँ से एक जरूरी वादा किया है मैंने, वो आज पूरा करना है, फिर कभी। अच्छा अच्छा ठीक है, जब फ्री हो तो फौरन आ जाना। हाँ पक्का। और तुम भी आ जाना घर, होमवर्क करना है ना। ठीक है। पार्टनर, मैंने बहुत बार नोटिस किया कि जब भी आप अपनी मम्मी की बात करते हो थोड़ा परेशान हो जाते हो। सच बताओ ना, बात क्या है? विवान, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे जल्दी ही वील लोग जाना है, ठीक है? अरे इस नए जादू का नाम क्या है? चल चल जादू। अरे चल चल जादू क्या होता है? लेकिन चल चल जादू से तुम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। लो आ गया फिर से मेरी जासूसी करने। अरे जासूसी करने नहीं, निगरानी रखने तुम पर। इस छल छल जादू से मैं आपको किसी दूसरे शहर या दूसरे देश भेज सकता हूँ क्या? तुम मुझे किसी भी देश भेज दो या किसी शहर, वापस तो मैं आ ही जाऊंगी तुम पर निगरानी रखने। अरे हमें कार लोक में लटका के खुद हवा में लटक रही है। फैलानी नीचे आइए, और आप भी कुछ छोटा मोटा काम ढूंढ लीजिए अपने गुजारे के लिए, क्योंकि एक ही बार भी संबंध नहीं रहा था आप लोगों से, अब तो दूसरे ने भी बेइज्जत करके वापस भेज दिया आपको। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो बताओ, नन्ही उंगली की कसम, बहुत जबर जबर बोल रहा है। फैलानी अगर नीचे आ गई ना तो तेरी जबान ना काट के वो कर देंगी छोटी। जब डाली बोलने दो इसे। बोलो तौबा तौबा, आज अपनी सारी भड़ास निकाल दो, जो भी तुम्हारे दिल में सब कुछ कह दो। नहीं नहीं मैं नहीं बोल रहा कुछ, मैं तो कालों वाले जो बोलते हैं वही दोहरा देता हूँ। अच्छा क्या बोलते हैं कालों वाले? क्या कर रहे हो राजा? बोलो बोलो। यही कि विभान अपनी शक्तियाँ बहुत तेजी से इस्तेमाल करना सीख रहा है, क्योंकि उसके पीछे बालवीर जैसा लायक गुरु है। नहीं,
तौबा, आज तुमने अपने दिल की बात बोलने के चक्कर में मुझे बहुत अच्छी तरकीब दे दी। शुक्रिया। नन्ही उंगली कसम, ये तौबा तौबा, आपका इतना अपमान कर रहा है और आप इसको वो दे रही है सम्मान, क्यों? क्योंकि इसने अनजाने में मुझे एक तरकीब जो दे दी है। तरकीब? कैसी तरकीब? मेहमान, अगर शिक्षक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं तो बुरी भी तो दे सकते हैं ना। कहना क्या चाहती हो तमन्नासा? बालवीर किसी को भी बुराई की सीख क्यों देगा? बुरी सीख बालवीर नहीं, कोई और देगा। सॉरी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, जिन्होंने बचपन में मुझे अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाया। आज वही अनजाने में बुराई का साथ दे रहे हैं। सॉरी, माँ के बिना मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। जब तक मैं उन्हें वापस नहीं लिया था, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। सॉरी। मैं जानता हूँ बालवीर, अपनी माँ के बिना हर बेटा भटका हुआ ही महसूस करता है। इसलिए जब तुम नीलकल शहर से लौट रहे थे, मैं सुमेर ग्रह गया था। सुमेर ग्रह? वो तो वीर लोग से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है, आप वहां क्यों गए थे? इस करामाती बीज को लाने, इस बीज के खिलते ही इसमें से पवित्र किरणें निकलेंगी जो बाल परी पर पड़े तिमनासा के जादू को तोड़ देंगी। तो शौर्य, इस बीज को जल्दी खिलाइए, हमें माँ को ठीक करना होगा। ये इतना आसान नहीं है बालवीर, इसे खिलाने के लिए तुम्हें 7 दिनों का तप करना होगा। 7 दिनों तक बिना रुके तुम्हें वीर लोक की परिक्रमा करनी होगी। 7 दिनों क्या? माँ को ठीक करने के लिए मैं 7 वर्षों तक तपस्या करने के लिए तैयार, लेकिन अगर इस बीच में तिमनासा ने पृथ्वी पर हमला कर दिया तो हम हैं ना बालवी, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर विवान का ध्यान रखेंगे और हम सब पूरी पृथ्वी और तिमनासा की हर हरकत पर नजर रखेंगे। और फिर शौर्य भी तो है हमारी मदद करने के लिए। आप सब सही कह रहे हैं, अगर आप सब मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। शौर्य, इस परिक्रमा के दौरान मुझे कौन सा मंत्र बोलना होगा? इस मंत्र के शब्द अभी उलझे हुए हैं, जैसे जैसे तुम्हारा तप पूरा होगा इस मंत्र के शब्द सही क्रम में आ जाएंगे और यही महामंत्र इस बीज को खोलेगा। खुश रहो शौर्य, खुश रहो परी, खुश रहो बालवी, खुश रहो। कुछ बड़ा करने वाली है। सर्वकाल यज्ञ करते समय मुझे कुछ अभेद शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिनमें से एक है ये कलोरा यंत्र।
अब तुम लोगों के अंदर इस कलोरा यंत्र की सारी शक्तियां आ चुकी हैं। जिस तरह बालवीर के हाथ पर अच्छाई का निशान है, अब तुम लोगों के ऊपर बुराई का निशान होगा। लेकिन इस कलोरा यंत्र से होगा क्या? अब तुम लोग धरती पर जाओगे और जाकर शिक्षकों के अंदर कलोरा की बुराइयां फैलाओगे और फिर शिक्षक बच्चों को बुराई की सीख देंगे। सारी दुनिया में बुराई फैल जाएगी। मुझे क्यों रोका तिमना सर? पृथ्वी पर काल लोक वालों की शक्तियां नहीं चलती, तुम्हारी चलती हैं। इसलिए तुम चाहती हो कि इस कलोरा यंत्र को मैं परिलोक की शक्तियां दे दूं, ताकि तुम उन शक्तियों का इस्तेमाल धरती लोक पर कर सको। बिल्कुल ठीक कहा। पृथ्वी के बच्चों, तैयार हो जाओ अपनी भैरानी के स्वागत के लिए। मस्ती भरी लगता है आसपास नहीं है, फिर भी एक बार पक्का कर लेता हूँ। मक्खी परी सुनकर भी नहीं है, इसका मतलब पक्का आसपास नहीं है। यही मौका है विवान, चल अच्छा जादू ट्राई करने का, लेकिन किसके ऊपर करूं? अरे बोलो नहीं, सुनो, सब्जियां बेच रहे हो भैया कि सोना चांदी बेच रहे हो? कांदा 100 रुपए किलो और टमाटर 80 रुपए किलो। मैडम लेना है तो लीजिए, नहीं तो दूसरी दुकान देख लीजिए आप। अरे भैया बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो? मैडम मैं बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ, जो भाव चल रहा है वही आपसे बता रहा हूँ। ऐसे कैसे, अभी कल ही तो ली थी सब्जी। अरे मैडम जी तो मैं क्या करूँ, नए आए हो क्या यहाँ? इन सब्जी वाले अंकल पर चल अच्छा जादू ट्राई करता हूँ, इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इन्हें सीख भी मिल जाएगी तमीज की। कर दे ठीक है इनकी अकल, सब्जी हो जा चल चल। मिश्रा के घर चावल की बोरी। बोरी कहाँ गई? अरे भैया कांदा पच, हमारा कद्दू कहाँ गायब हो गया? यहीं पर तो था। ट्राई कर रहा था चल अचल जादू, ये तो अदल बदल जादू हो गया, अब क्या करूं? ए, सब्जी वाले, ये मेरी चावल की बोरी क्यों चुराई? ए, राशन वाले, हमारे दुकान से कद्दू चुरा के अपने दुकान पे रख दिया और हमको चोर बोलता है। राशन वाला किसको बोला? जनरल स्टोर है और चोर बोलता है छेड़ा को। अरे 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 बोली नहीं सुनिए, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हमारा इलाके में आके आप ये सब्जी बेच रहे हो और ये चोरी कर रहे हो। अरे खामोश, खामोश, किस किस का क्या क्या चोरी हुआ है वो जांच के बाद पता चलेगा। मोगरे की अगरबत्ती मेरी फेवरेट है। ए, नहीं, नहीं, वो दोनों बातें अलग है, लेकिन तुम दोनों को मेरे साथ थाने आना पड़ेगा। थाना? हाँ। अरे नहीं नहीं साहब, एक काम करते हैं, क्या इस मामले को यही खत्म कर देते हैं। कैसे? एक मिनट, एक दे दो ये। कांदे साहब 100 रुपए किलो है तो दो क्यों, एक किलो दो। ए! 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 क्या गिर पड़े को रिश्वत देता है? अंदर करो इसको, जेल में। अरे मेरे को नहीं गिर पड़े, इसको लेके जाओ। चल साहब, ये तो बहुत बड़ा पंखा हो गया, इससे पहले कि मस्ती परी को पता चले पीछे से खिसक ले विमान। विवान, क्या किया है तुमने ये? अब जो भी गलत किया है ना उसे सही करके जाओ। ठीक है अंकल, एक मिनट अंकल रुको, मैं बताता हूँ यहाँ क्या हुआ था। ये बोरी वहां से यहाँ मैंने रखी है? और वो कद्दू भी यहाँ से वहां मैंने ही रखा है। अरे 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 अरे, लेकिन क्यों रखा था? वो आपको मीगा दीदी बताएंगी, उन्होंने मुझे बोला रखने को तो मैंने रख दिया,
मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। बाय बाय। अरे पण मुझे फंसा गया बदमाश। अरे छोड़ जबदानी, ये मेरी किताब है। छोड़ तो उबड़ी पबड़ी, नन्ही उंगली की कसम, यहाँ के गुरुओं को ना बुराई के रास्ते पे मैं वो दूंगा। अरे छोड़ मेरी किताब है। अरे छोड़ ये किताब नहीं है, ये सिक्योरिटी गार्ड का रजिस्टर है। अरे रजिस्टर हो या किताब, क्या फर्क पड़ता है? इसका इस्तेमाल तो ध्यान भटकाने के लिए है। असली काम तो है यहाँ के शिक्षकों पर कलोरा यंत्र का असर छोड़ना, ताकि वो बच्चों को बुराई के टेढ़े रास्ते पे चलाने लगे। हाँ तो आजा। सत्यानाश, टेढ़े रास्ते पर चलने के लिए चाल टेढ़ी की तो निशाना ही टेढ़ा लगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। टेढ़ी चाल चलते चलते कमर ही टेढ़ी हो गई मेरी, पर एक भी गुरु को छू नहीं पाया मैं। अरे तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, बहरानी सही कहती है, पूरा सिर्फ मनोरंजन के काम आता है। देख रजिस्टर दे। बेवकूफों, तुम्हारे बस का काम नहीं है, हटो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कैसे हैं गुरुजी? बुराई के महासागर में आपका स्वागत है। जाइए गुरुजी, अब आप बच्चों में ज्ञान का उजाला नहीं, बुराई का अंधेरा फैलाइए। जरा सुनिए, एक सेकेंड होल्ड। जी, ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? उस तरफ सीधा। हाँ बोलिए। सुनिए, बच्चों को तो आप सीख देते हैं कि स्कूल में फोन का इस्तेमाल नहीं करते, और यहाँ पर खुद ही फोन पर चिपके हुए हैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों को बुरी सीख मिले। जाओ और जाकर हर बच्चे के अंदर बुराई की सीख भर दो, ताकि वो अच्छाई को भूल जाए। चलो शिष्या, तुम ट्राई करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन किस पे ट्राई करूं? पुराने शिकार, बस एक मौका दे दे ये लोग। चिंटू चिंटी, तुम दोनों मेरा टिफिन चुरा के खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? खुशी, तुमने वो सुना नहीं है क्या, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम? जब दाने दाने पे लिखा है तो सैंडविच पे भी लिखा ही होगा। चिंटू चिंटी चिंटू चिंटी, खुशी दीदी को परेशान कर रहे हैं चिंटू चिंटी, अभी सिखाते हैं इनको। चिंटू चिंटी को अपने बुरे काम का फल खुद ही मिल जाएगा। मतलब वो सैंडविच भी खा रहे हैं और फल भी खाएंगे? दिस इज नॉट फेयर। मिल जाए इनको कर्म का फल, हो जाए इन पर चल अचल।
भैया लगता है मेरा दांत टूट गया। और खा ले चुरा के सैंडविच। विवान ये सब तेरी चाल थी ना? बहुत हो गया तेरा। साइलेंस, क्या हो रहा है ये सब? सर चिंटू चिंटी ने मेरा टिफिन चुरा लिया और जब विवान उनसे वापस लेने लगा तो वो झगड़ने लग गए। हाँ तो इसमें बुरा क्या किया इसने? बेचारे को भूख लगी थी इसलिए दूसरे का टिफिन ले लिया। और टिफिन खाते समय अगर कोई दूसरा वापस ले ले तो झगड़ा नहीं करेगा तो क्या करेगा? सर लेकिन आप इंदुरो की साइड क्यों ले रहे हो? विवान तुम मुझसे बदतमीजी करना चाहते हो? नहीं सर। नहीं नहीं करो। ये क्या हो गया टीचर को? प्रिंसिपल मैम से जाके कंप्लेन करता हूँ। प्रिंसिपल मैम। अरे आप कौन है? मैं तुम्हारे स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ, तिलोत्मा काले। आप नए प्रिंसिपल है? हाँ, इस स्कूल की नई प्रिंसिपल जो स्कूल को तरक्की के नए रास्ते पर ले जाने आई। तुम बोलो क्या काम था? काम नहीं है, कंप्लेन करने आया। वो जो चिंटू चिंटी है ना, उन्होंने पहले मेरी दीदी का टिफिन छीना और जब मैं उसे वापस लेने गया तो झगड़ा करने लगे और फिर वो जो टीचर है। तुम खड़े होकर बात क्यों कर रहे हो विवान? आओ बैठो। आपको मेरा नाम किसे पता? होनहार बच्चों के नाम पता करना तो मेरा काम है ना, और स्कूल के तो तुम सबसे ज्यादा होनहार बच्चे हो, तो मुझे तुम्हारा नाम कैसे नहीं पता होगा? थैंक यू मैम, वैसे तो सब मुझे होनहार बोलते ही है, लेकिन मुझसे पहली बार मिलकर मेरा टैलेंट पहचानने वाले आप पहली प्रिंसिपल है। तुम्हारी प्रतिभाओं को ही तो निखारने आई हूँ मैं यहाँ। लेकिन मेरी कंप्लेन पर एक्शन कब लेंगे आप? मैं जो एक्शन लेने आई हूँ स्कूल में, उसके बाद स्कूल में कोई कंप्लेन नहीं करेगा। नेक्स्ट पीरियड शुरू हो गया, मैं चलता हूँ मैम, थैंक यू। जाओ विवान, लेकिन कब तक बचोगे? नेवला गिद्ध से आखिर कब तक जान बचा सकता है? विवान ने इतनी देर तक कोई शरारत नहीं की। ये तो अच्छी बात है ना। चलो फिर भी एक बार सी क्लास में देखिए आपने। हमारी नए प्रिंसिपल थोड़ी अजीब है। मैंने जब टीचर और चिंटू चिंडी के बारे में कंप्लेन की ना, तो उनको गुस्सा भी नहीं आया और उन्होंने मुझे होनर स्टूडेंट बोला। ऐसा तो मुझे आज तक किसी भी प्रिंसिपल मैम ने नहीं बोला। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। मैं आप सबके स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ, तो चलो अब काम की बात करें। ये घड़ी परीक्षा की घड़ी है, आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार आप सब लोग 100% मार्क्स लेकर आएं। सॉरी मैम, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता विवान? हमारा इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, जीतना, एग्जाम्स में जीतना 100% मार्क्स के साथ, है ना? और उसके लिए फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अगर एग्जाम में चीटिंग कर सकते हैं तो फिर मैं फर्स्ट हो सकता हूँ। मैंने कहा ना, मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, जीतना, फिर चाहे उसके लिए हमें अच्छाई का रास्ता चुनना पड़े या फिर बुराई का, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो जीतने से मतलब है 100% मार्क्स। प्रिंसिपल मिस, लेकिन ये तो चीटिंग होगी ना? अच्छा एक बात बताओ, असल जिंदगी में हम लोग अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं ना? उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम उनके पास जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो फिर एग्जाम्स में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उसे चीटिंग नहीं कहते, उसे तो हेल्प कहते हैं। ये कैसी गलत बातें सिखा रही है? और तुम विवान,
और ये मेरी तरफ ऐसे चल के क्यों आ रही है? इन टेढ़े टीचर को मजा चखाना पड़ेगा। इस खड़ूस टीचर के ठिकाने आए अकल, हो जाए इस पे चल चल। अरे चेयर खिसकती हुई कैसे दिख गई इनको? विवान, अगर तुम्हारे पास बालवीर का सिखाया हुआ जादू है तो मेरे पास भी कालपरी की दी हुई शक्ति है। हर बार मैं धरती पर पिटने के लिए नहीं जाऊंगा, इस बार और शक्ति लेकर जाऊंगा। कैसे कैसे क्यों ना इस कालपरी की थोड़ी सी शक्ति चुरा कर मैं भी धरती पर जादू का ठोस झाड़ू। सिर्फ सवाल लड़ाने में वो मजा नहीं जो उंगलियां लहरा के चमत्कार करने में। इससे पहले ही कुछ करे तुम्हें इसको रोकना होगा। हाँ लगता है इन परियों को मजा चखाना ही पड़ेगा। मेरा जादू चल क्यों नहीं रहा? कहीं ये बालवीर का कोई नया खेल तो नहीं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।